नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान असमानी। वक्त हो चला है 4 बजे का, रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों पर। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई है, यानी कि साफ तौर पर एक बड़ा झटका आज टीएमसी को लगा है। एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा की संसद की सदस्यता खत्म करने की सिफारिश की थी, जिसके बाद एथिक्स कमेटी की सिफारिश को मंजूर कर लिया गया है। महुआ मोइत्रा के खिलाफ प्रस्ताव ध्वनिमत से पास हुआ, उसके बाद उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। हालांकि उनके पास सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का विकल्प अभी भी मौजूद है, लेकिन महुआ मोइत्रा की संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई है, यह आज की बड़ी और अहम खबर है। एथिक्स रिपोर्ट पर एक्शन और अब विपक्षी दल हंगामा करते हुए नजर आए हैं। दरअसल जब वोटिंग जारी हुई थी महुआ मोइत्रा की रिपोर्ट के खिलाफ, उस दौरान जो तमाम विपक्षी दल है उन्होंने इस वोटिंग का बायकॉट किया, लेकिन उसके बावजूद भी महुआ मोइत्रा की सदस्यता खत्म की गई है। लेकिन राहत की बात महुआ मोइत्रा के लिए फिलहाल यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। तो महुआ मोइत्रा केस के अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो 14 अक्टूबर ये वो तारीख थी जब जय अनंत देहाद्राई ने भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में महुआ के खिलाफ सीबीआई में केस दर्ज कराया था और लगातार तब से जांच पड़ताल का दौर जारी है। और आज यानी कि 8 दिसंबर को एथिक्स कमेटी के चेयरमैन विजय सोनकर ने लोकसभा में महुआ पर अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद अब महुआ मोइत्रा की जो सदस्यता है वो चली गई है। तो कैश फॉर क्वेरी मामले में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म हुई है। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के बाद उनके निष्कासन का प्रस्ताव पेश हुआ, जिसके बाद वोटिंग हुई। हालांकि महुआ मोइत्रा को निष्कासित करने के लिए जब सदन में वोटिंग शुरू हुई तो विपक्ष ने इसका बायकॉट किया और वोटिंग के बाद लोकसभा स्पीकर ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ निष्कासन प्रस्ताव पास कर दिया है। लोकसभा से निष्कासन के बाद महुआ ने कहा कि लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने मुझे झुकाने के लिए बनाई गई अपनी रिपोर्ट में हर एक नियमों को ताक पर रखा है, हर एक नियम को तोड़ा है। ये तमाम बड़ी बातें महुआ मोइत्रा की तरफ से आज कही गई हैं। तो कैश फॉर क्वेरी मामले पे महुआ मोइत्रा की मुश्किल अब बढ़ गई है। महुआ मोइत्रा की संसद की सदस्यता खत्म हो गई है, जिसकी टेंशन अब विपक्ष को होने लगी है। हालांकि जब इस पूरे मसले पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई तो विपक्षी दलों ने एक साथ मिलकर इस वोटिंग का बॉयकॉट किया, जिसके बाद महुआ मोइत्रा के खिलाफ उसके बाद भी प्रस्ताव आया और अब महुआ मोइत्रा की जो सदस्यता है उसको रद्द किया गया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिवाकर इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, देखिए आज टीएमसी को बड़ा झटका लगा है, महुआ मोइत्रा की जो संसद की सदस्यता है वो रद्द कर दी गई है, ये और कितना बड़ा झटका माना जाए विपक्षी दलों के लिए? बिल्कुल, देखिए काफी बड़ा झटका जो है वो विपक्ष के लिए भी माना जाएगा, इसके साथ साथ है उसके लिए भी माना जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा झटका जो है ये महुआ मोइत्रा के लिए माना जाएगा जी। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो एथिक्स कमेटी है जिसने रिपोर्ट जो पेश की है उसमें साफ तौर पे जो चीजें लिखी है और उसके साथ साथ खुद महुआ मोइत्रा ने मीडिया के सामने आके इस बात को स्वीकार किया था कि हाँ उन्होंने लॉगिन पासवर्ड जो है वो शेयर किया है किसी को, तो जाहिर सी बात है कि आप खुद इस बात की तस्दीक कर रहे हो कि हाँ हमने लॉगिन पासवर्ड जो है वो दूसरे से शेयर किया है, वो भी आप अपने किसी जो सबॉर्डिनेट आपका होता है या आपका जो सोशल मीडिया देखता है या आपका जो काम करता है उससे न साझा करके। ये इसमें कहा गया था, जो आरोप था ये था कि एक बिजनेसमैन है उनके साथ साझा किया गया था, और इसमें सबसे बड़ी बात जो आरोप था ये था कि पैसे लेकर सवाल उठाने का, क्वेश्चन पूछने का। तो जाहिर सी बात है तो उन सारी चीजों को लेके, उन आरोपों को लेके, कहीं तो उन सबूतों को लेके एथिक्स कमेटी जो होती है संसद की, उसने एक 406 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की, और रिपोर्ट के बाद जब उसको सदन में रखा गया तो सदन में ये हुआ कि इस पर चर्चा की जाए। 12 बजे एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट, बेहद ही बड़ी और लंबी टाइम लाइन है जिसके बाद अब ये फैसला लिया गया है। जैसा कि आपने जिक्र किया कि ये एक बड़ा झटका है टीएमसी के साथ ही तमाम विपक्षी दलों को। अब महुआ मोइत्रा के पास और क्या कुछ विकल्प बचे हैं? क्या जब वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे तो उसकी कोई तारीख तय की गई है क्या? अब बिल्कुल, देखिए अब महुआ मोइत्रा के पास सिर्फ एक ही विकल्प बचता है, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता। सुप्रीम कोर्ट का रास्ता जो है वो देख सकते हैं, लेकिन आपको भी पता है और महुआ मोइत्रा और विपक्ष को भी पता है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाती है तो जाहिर सी बात है
तो उसमें समय लग सकता है, क्योंकि कोर्ट में मामला जो होता है वो काफी ज्यादा लिंगरान होता है, और तब तक लोकसभा चुनाव जो 2024 में लोकसभा चुनाव है उसकी डेट आ सकती है। तो जाहिर बात है कि अभी एक से डेढ़ या दो महीने का ज्यादा से ज्यादा समय बचा हुआ है, तो ऐसे में नहीं लगता है कि महुआ मोहित्रा जो है वो कोर्ट का रुख करेंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि विपक्ष जो है वो इस पूरे मुद्दे को कहीं ना कहीं भुनाना चाहेगा, इस पूरे मुद्दे पर खेलना चाहेगा, जनता के बीच जाना चाहेगा। आज जिस तरीके से सोनिया गांधी हो, फारूक अब्दुल्ला हो, ये सभी लोग जिस तरीके से जो महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे नजर आए खड़े हुए, टीएमसी ने भी कहीं ना कहीं ये कहा था कि वो जाके बाहर जो महात्मा गांधी उनकी प्रतिमा के नीचे जाके कहीं ना कहीं वो प्रदर्शन करेंगे। देखिए, दिवाकर, लगातार विपक्षी दलों की एकता पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, क्या इस पूरे मसले पर विपक्षी दलों की जो एका है, जो एकता है, उसकी तस्वीर देखने को मिलेगी क्या? क्या इस पूरे मसले पर अब विपक्षी दल एक साथ आएंगे क्या? बिल्कुल मुस्कान, मैं उसी पे आ रहा था कि देखिए, कांग्रेस जो है वो, यानी खुद सोनिया गांधी जो है वो जाके खड़ी होती हैं महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे विरोध करने दर्ज कराने के लिए। तो जाहिर बात, आपने देखा होगा कि पिछली 6 दिसंबर को जब जो गठबंधन एक बना है उसकी मीटिंग होनी थी, वो मीटिंग नहीं हो पाती। उसमें ये निकल के आता है कि टीएमसी के जो लीडर हैं, जो मुख्यमंत्री बंगाल की, वो नाराज हैं ममता बनर्जी, कहा जाता है कि नीतीश कुमार नाराज हैं, इधर अखिलेश यादव नाराज हैं। तो जाहिर बात है, कांग्रेस चाहती है कि इस मुद्दे को लेकर कहीं जो प्रदर्शन करे, वो अपना विरोध दर्ज कराए, जिससे कि टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के नजदीक आए, जो नाराजगी है वो दूर हो, जो दूसरे विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो अखिलेश यादव, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के नजदीक आए, यानी कि एक एकता फिर से बने। जो आगामी 17 से 20 दिसंबर तक बैठक है, और बैठक में जो सीटों को लेके बंटवारे को लेकर चर्चा होनी है, वो कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से हो जाए। देखिए दिवाकर, जिस तरीके से ईडी सीबीआई को तो मुद्दा बनाया ही जाता है विपक्षी दलों के द्वारा, हाल ही में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो भी देखा गया कि जब तमाम विपक्षी दलों के नेता मंच पर पहुंचे तो ईडी सीबीआई के जरिए वो भाजपा पर हमलावर नजर आए, क्या इस मुद्दे को भी लोकसभा चुनाव से पहले धार देती हुई विपक्षी दल नजर आएगी? जाहिर सी बात है कि देखिए, ईडी हो, सीबीआई हो, सीबीआई को तो पिंजरे का तोता बोला जाता है, तो जाहिर सी बात है कि इस मुद्दे को भुनाते हुए नजर आए। लेकिन इस मुद्दे को भुनाने में कोर कसर विपक्ष नहीं छोड़ेगी। लेकिन एक चीज और मैं आपको बता दूं मुस्कान, कि आपने देखा होगा कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि किसी की संसद सदस्यता जो है, लोकसभा सदस्यता जो है, वो गई हो। इसके पहले आपने देखा होगा कि ऑपरेशन दुर्योधन यूपीए गवर्नमेंट के दौरान चला था, उसमें 11 सांसद, 10 लोकसभा सांसद थे, एक राज्यसभा सांसद था, उनको कहीं कहीं पैसे लेकर और जो सवाल पूछने का मामला है, कैश ऑन क्वेरी, जाहिर सी बात है उनके ऊपर ये आरोप लगा था, उनका फिस्टिंग ऑपरेशन हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि उस समय भी सदस्यता गई थी, तब तो कांग्रेस का समय था, तो पक्ष जो है यानी कि विपक्ष अगर इस मुद्दे को उठाएगा तो सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी जो है वो भी कहीं ना कहीं ये कहेगा कि आपके समय में भी इस तरीके की कार्रवाई जो है वो हो चुकी है। हालांकि एक अभी और मामला है कि अभी जल्द ही एक मामला ऐसा उठा था जिसमें जो विधूड़ी है उनके संसद सदस्यता जो है वो समाप्त करने का लगातार जो विपक्ष है वो उठाता रहा सवाल, वो लगातार प्रेशर बनाता रहा। लेकिन अभी तक उनके हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम अपडेट और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो 3 राज्यों में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद कांग्रेस अब इसका मंथन करेगी, जिसको लेकर कांग्रेस मुख्यालय पर अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अहम और बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में भूपेश बघेल, अशोक गहलोत, कमलनाथ समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे, और बैठक में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की हार पर समीक्षा की जाएगी। तो 3 राज्यों में जहां कांग्रेस को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा है, इन तीनों ही राज्यों के लिए अब कांग्रेस ने एक बड़ी और अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक के जरिए ये चर्चा की जाएगी कि आखिर हार की वजह क्या रही। साफ तौर पर मोटे मोटे शब्दों पर कहा जाए तो हार पर एक समीक्षा की जाएगी कि इस हार की वजह क्या रही है, और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ये बैठक बुलाई गई। उस बैठक में इन तीनों ही राज्यों के बड़े और दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे, और 2024 में गलती ना दोहराई जाए उससे पहले ये बैठक कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी और अहम मानी जा रही है। गौरव, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए, लगातार कांग्रेस हार की वजह तलाशने की कोशिश कर रही है, और लगातार 3 राज्यों में मिली हार के बाद कांग्रेस आज एक बड़ी और अहम समीक्षा बैठक करती हुई नजर आ रही है। गौरव, क्या अपडेट है?
अपने यहाँ पर घर बैठा क्या और मरण खेली थी जिसने यहाँ बैठा धो लेती है तमाम फिलहाल यहाँ पर हार के आई है। मध्य प्रदेश की बात करें, की बात करें, राजस्थान की बात करें, उसका हाथ मंथर हुआ कि हारे क्यों। और यहाँ पर जिस तरह से 55 विधायक मंत्री यहाँ खासतौर पर छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ पर ये मुद्दा उठाना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से हार हुई है, नौ मंत्री हार चुके हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर होने वाली है वो छत्तीसगढ़ की बात होने वाली है। मध्यप्रदेश पहले से सरकार नहीं थी, पर यहाँ पर सरकार नहीं आई तो उतना गम नहीं है, पर जिस तरह से यहाँ पर छत्तीसगढ़ का हाल हुआ है, सरकार वहाँ थी और राजस्थान का हाल हुआ है। अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस लगातार समीक्षा करती है, जब भी उसकी कहीं हार होती है तो समीक्षा करती है, लेकिन उसका जो नतीजा है वो अगले चुनाव में देखने को नहीं मिलता है, इसके पीछे वजह क्या मानी जाए? मुस्कान, चुनाव के समय सक्रियता अगर रहेगी तो नतीजे आपको यही मिलेंगे। हम लगातार कहते चले आ रहे हैं कि अगर आप सक्रिय चुनाव के समय होंगे तो आपको हमेशा हार का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी को अगर हराना है तो आपको बीजेपी की तरह सोचना पड़ेगा, 24 घंटे चुनावी मोड में रहना पड़ेगा, संगठन स्तर में मजबूती करनी पड़ेगी। और हम लगातार देख रहे हैं केवल चुनाव को, चाहे अन्य चुनावों की बात करें, उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करें, तो केवल समय पर यहाँ पर आते हैं, नारा दिया जाता है, टिकट दिए जाते हैं, पर सक्रियता केवल चुनाव के समय, और जब सक्रियता चुनाव के समय होती है तो आपको इस तरह के आंकड़े मिले के जो परिणाम आएंगे आपको मिलते रहेंगे। अगर वास्तव में आपको बीजेपी चुनौती देनी है तो आपको लगातार राज्यों में मेहनत करनी पड़ेगी, जो फिलहाल कांग्रेस तरफ से लगातार होती नजर नहीं आ रही है। मंथर करने का लाभ यहाँ पर नहीं होने वाला है, बल्कि यहाँ पर आपको अपनी सक्रियता बढ़ानी पड़ेगी, अपने संगठन को बढ़ाना पड़ेगा, जो आपकी कला है उसका भी आपको निदान खोजना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। देखिए गौरव, लगातार इसका हल तो निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं जमीन को तलाशने की चुनौती बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन आज जिस तरीके से हार पर मंथन हो रहा है, इस बैठक में कौन कौन सा बड़ा नेता मौजूद रहेगा? गौरव, देखिए अगर हम बात करें नेताओं की, वहां पर बड़े खड़गे रहेंगे, इसके अलावा जो राष्ट्रीय महासचिव है केसी वेणुगोपाल वो भी वहां पर रहेंगे, इसके अलावा हम बात करें तो छत्तीसगढ़ की प्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा वहां पर रहेंगी, प्रेस अध्यक्ष दीपक कुमार बैज वहां पर रहेंगे, इसके अलावा जो बड़े नेताओं की बात करें तो छत्तीसगढ़ से तमाम बड़े नेता वो भी यहां पर मौजूद रहेंगे, और अगर हम बात करें राजस्थान से तो राजस्थान से तमाम बड़े नेताओं की यहां पर उम्मीद है। हालांकि यहां पर अशोक गहलोत के आने की संभावना कम है, पर जो और नेता है जो प्रभारी है वो यहां बैठक मौजूद कर रहेंगे, और यहां पर हार पर मंथन भी होगा, और ये देखा जाएगा कि अभी हार से आगे कैसे बढ़ना है, तो हमें चुनाव की तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि हार तो हो चुकी है, परिणाम सामने आ चुके हैं। अब यहाँ पर चुनाव है, 3 महीने का समय बचा है, और अगर 24 चुनाव जीतना है तो इन्हीं राज्यों से कैसे हमको लोकसभा सीटें जीत कर आनी है, इस पर भी मंथन होगा। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तीन राज्यों में मिली बंपर जीत के बाद बीजेपी गदगद दिखाई दे रही है। नतीजा आने के बाद बीजेपी अब आगे की रणनीति बनाने में जुटी हुई है, जहां एक तरफ दिल्ली दरबार में बड़े बड़े दिग्गजों की हाजिरी भी लगनी शुरू हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चा एक बार फिर से जोरों पर है। यूपी में दो नेताओं के नाम काफी दिनों से लगातार चर्चा में है, और जिन्हें लेकर ये भी कहा जा रहा है कि इन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। वो दो नाम है दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर। ओपी राजभर को लेकर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का भी एक बड़ा बयान सामने आया है, इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। वहाँ होने के बाद फिर अब लोग उत्तर प्रदेश की तरफ हमारे नेता मुखातिब होंगे, और जल्द जो है आपको जो अपडेट, हम लोग जिसे मंदिर के भी लोग कहते थे कि हम मंदिर बनाएंगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे, उसी तरह डेट हम लोग बता रहे हैं कि 22 जनवरी को डेट है, उसी तरह हम गवर्नर हाउस से आपको डेट जो है आपके मीडिया को मालूम चल जाएगा कि ओम प्रकाश जी कब मंत्री बन जाएंगे। सब चीज की गारंटी मोदी जी की गारंटी है। तो यूपी मंत्रिमंडल के विस्तार की खबरें लगातार सामने आ रही है। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली दरबार में पहुंचे, लेकिन सस्पेंस जस का तस बरकरार है कि आखिर योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में किस नए चेहरे को एंट्री मिलती है। दिवाकर, ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर एक बार फिर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दिवाकर, देखिए लंबे समय से ये खबरें तो है कि योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन सस्पेंस बरकरार है कि आखिर ये विस्तार कब होगा और कौन कौन से दिग्गज नेताओं को इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। देखिए दो नाम तो लगातार सामने आ रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, ये खुद ही अपने नामों का ऐलान कर रहे हैं कि हम मंत्रिमंडल में शामिल हैं। इनके अलावा और कौन कौन से नेता हैं जिनको शामिल किए जाने की खबर है? दिवाकर,
बिल्कुल देखिए मुस्कान, मंत्रिमंडल का विस्तार जो है अब से तकरीबन एक से डेढ़ महीने पहले ही होना था उत्तर प्रदेश में, लेकिन क्योंकि चुनाव थे, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो, तो ऐसे में वहाँ पे बड़े नेताओं का, चाहे उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हो, चाहे केंद्र के बड़े नेता हो, उनका जाना लगातार लगा हुआ था और काफी ज्यादा अहम जो है वो चुनाव था क्योंकि 2024 को लोकसभा चुनाव होना, तो ऐसे में ये प्रक्रिया थोड़ा सा टल गया। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि दिसंबर में ये जनवरी की फर्स्ट वीक में कहीं ना कहीं ये जो विस्तार होना है योगी मंत्रिमंडल का वो हो जाना है। इसमें दो नाम जो आपने चर्चा किए कि दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश का नाम सबसे ऊपर चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि महेंद्र सिंह जो कि योगी की पहली सरकार में जल शक्ति मंत्री रहे थे उनका भी नाम कहीं ना कहीं चल रहा है। आकाश सक्सेना जिन्होंने रामपुर में जब आजम खान की सदस्यता गई थी विधानसभा की, तो उसके बाद उपचुनाव हुए थे उसमें उन्होंने भारी जीत दर्ज की थी, उनका नाम चल रहा है। इसके साथ साथ कई ऐसे मंत्री हैं जो अभी राज्य मंत्री हैं उनके प्रमोशन चल रहा है। और इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने जो अभी पीडीए यानी कि पिछड़ा और दलित और अल्पसंख्यक जो एक यात्रा निकाली थी उसके तोड़ के लिए कुछ पिछड़े वर्ग के नए चेहरों को लाया जाएगा मंत्रिमंडल में। ये भी कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक को और निभाने के लिए जो दानिश है, जो मंत्री है, राज्य मंत्री, उनका कहीं के पद बढ़ाया जाएगा, कद बढ़ाया जाएगा, यानी कि उनको हो सकता है कि सुषम प्रभार दे दिया जाए या फिर हो सकता है कि उनको कैबिनेट में जगह दे दिया, जिससे कि अल्पसंख्यक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में आए। तो ये कवायदे चल रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि ओम प्रकाश सिंह और जो दारा, माफ कीजिएगा, ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह, ये दो ऐसे नाम हैं जिनको कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में जगह जरूर दी जाएगी, क्योंकि अभी उपचुनाव होने हैं गाजीपुर में, तो जाहिर बात है कि दारा सिंह को वहां से उपचुनाव लड़ाए जाने की संभावना जो है वो जताई जा रही, चर्चा भी है। तो ऐसे में अगर उनको मंत्री बनाया जाता है, जाहिर सी बात है कि उसका फर्क जो है वो जनता में पड़ता है, तो ये नामों की चर्चा अभी फिलहाल चल रही है। बिल्कुल ठीक है। देखिए दिवाकर, लाजमी है कि जब नए सदस्यों की एंट्री होगी तो लाजमी है कि कुछ ना कुछ लोगों को बाहर का रास्ता भी दिखाया जाएगा मंत्रिमंडल से। क्या उम्मीद है, किसको मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है? बिल्कुल देखिए, कई ऐसे इसमें मंत्रिमंडल में चेहरे हैं जो कि लोकसभा चुनाव उनको वो लड़ने के इच्छुक भी हैं और कुछ को लोकसभा चुनाव जो है पार्टी लड़ाना चाहती है। तो ऐसे में चाहे नंद गोपाल नंदी की आप बात कर ले, जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है और औद्योगिक मंत्री है, वो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि कई अरुण सिंह, असीम अरुण जो है वो कहीं ना कहीं उनको भी लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी जो है कन्नौज से चल रही है। तो जाहिर बात है कि ऐसे कई चेहरे हैं जो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और वो अभी फिलहाल मंत्री हैं। देवी रानी मौर्य, उनका भी नाम कहीं ना कहीं चल रहा है कि उनको लोकसभा का चुनाव जो है वो लड़ाया जाएगा। खुद दयाशंकर सिंह जो कि मंत्रिमंडल को लेकर, ओम प्रकाश राजभर को लेकर अभी जो बात कर रहे थे, उनका भी कहा जा रहा है कि वो भी लोकसभा चुनाव जो है वो लड़ेंगे। तो जाहिर बात है कि जो लोकसभा चुनाव लड़ेगा वो योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देगा, उसके बाद लोकसभा चुनाव लड़ेगा। तो जाहिर बात है उस जगह को भरने के लिए, चाहे वो जातिगत समीकरण हो, चाहे क्षेत्रीय समीकरण हो या अन्य जो समीकरण होते हैं, तो उनके जाने के बाद उन चेहरों को भरा जाएगा। दिवाकर, आपने कि हर एक समीकरण को साधते हुए भारतीय जनता पार्टी इस बार मंत्रिमंडल में विस्तार करने वाली है। अभी आपने जिक्र किया कि तकरीबन ये विस्तार एक से डेढ़ महीने पहले हो जाना चाहिए था, तो क्या समीकरण को साधने की वजह से देरी हुई है क्या, जो अभी तक विस्तार नहीं हो पाया, जो नामों का ऐलान नहीं हो पाया? बिल्कुल मुस्कान, देखिए समीकरण को साधने में भी देरी हुई है, किन चेहरों को लाया जाए जो जिससे कि ये समीकरण कर सके, क्योंकि आप किसी भी चेहरे को लाके मंत्रिमंडल में नहीं बैठा सकते, क्योंकि हो सकता है कि वो चेहरे जो है वो जनता में अभी उतने पॉपुलर ना हो, वो अपने उस जात में, जिस जात से वो है उस जात में भी उतनी ज्यादा पैठ न रखते हो, पकड़ न रखते हो, ये भी चीजें देखनी होती है। लेकिन जो ये मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हुई है, इसकी मुख्य वजह यह है कि उत्तर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे राज्यों में चुनाव था, और जाहिर सी बात है कि उस चुनाव में उत्तर प्रदेश के नेता भी लगे थे, केंद्र के भी नेता लगे थे, जो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार हैं वो भी कहीं से वहां पे चुनाव लगे हुए थे, जिसकी वजह से देरी हुई। और जाहिर सी बात है इधर मंत्रिमंडल विस्तार भले ही देरी हुई हो, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ जीत कर कहीं से बीजेपी ने उस देरी की जो टीस है, जो देरी से जो खामी आ सकती है लोकसभा चुनाव में, वो भर दी है। तो बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद दिवाकर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए बने इंडिया गठबंधन की बैठक अब 17 से 20 दिसंबर के बीच हो सकती है। हालांकि ये बैठक 6 दिसंबर को होनी थी, लेकिन उस बैठक को टाल दिया गया था और बैठक को टालने का सबसे बड़ा कारण बना था आपसी लड़ाई। हाल ही में 3 राज्यों में चुनाव हुए थे, तब सपा और कांग्रेस के बीच की तल्खियां खुलकर सामने आ गई थी, जिसके बाद से अखिलेश समेत कई विपक्षी नेताओं ने कांग्रेस पर कई बड़े और गंभीर आरोप लगाए थे। इसी पशुपेश के बीच बैठक का दिन आ गया है और कई नेताओं ने इससे किनारा करने का फैसला लिया है। ममता बनर्जी ने यहां तक कह दिया कि उन्हें बैठक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल अब ये बैठक 17 से 20 दिसंबर के बीच होने जा रही है। तो 17 से 20 दिसंबर के बीच इंडिया गठबंधन की बड़ी और अहम बैठक होने जा रही है और कहा जा रहा है कि उस बैठक में सीट शेयरिंग पर भी बड़ी और अहम चर्चा हो सकती है और लड़ाई बड़ी है और सीटों का झंझट लग रहा है कि इस बार खुलकर सामने आ सकता है, क्योंकि सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार हर एक प्रदेश में तमाम बयानबाजी सुनने को मिल रही है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के बीच जो तल्खियां निकल के सामने आई थी, उससे लगातार यही कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन में रार पैदा हो चुकी है। लेकिन नतीजे सामने आने के बाद हर एक दल इस बात से किनारा करते हुए नजर आए। लेकिन जब कांग्रेस की तरफ से गठबंधन दलों की एक बैठक बुलाई गई तो इस दौरान ममता बनर्जी साफ तौर पर ये कहती हुई नजर आए कि उन्हें तो उस बैठक के बारे में औपचारिक तौर पर कोई जानकारी ही नहीं थी। इसी बीच आज की बड़ी और अहम खबर जो सामने आई है वो ये है कि 17 से 20 दिसंबर के बीच ये बैठक होनी जा रही है और इंडिया गठबंधन की अब ये बैठक बेहद ही जल्द होने वाली है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद ओवैस इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओवैस, देखिए इंडिया गठबंधन की जो बैठक है वो 17 से 20 दिसंबर के बीच की वो तारीख है जब तय माना जा रहा है। इस बीच क्या सीट शेयरिंग पर बात हो सकती है, क्योंकि सबसे बड़ा मसला सीट शेयरिंग को लेकर हर एक दल बताते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि इस बैठक में बिल्कुल बात हो सकती है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बहुत अहम बैठक होगी। तो इसमें इंडिया गठबंधन को लेकर जो चीजें हैं और जो भारतीय जनता पार्टी वो तो अपनी तैयारी करी दी है, तो कहीं ना कहीं इस बैठक में ये बात हो सकती है इस शेयरिंग को लेकर। जी ठीक है, देखिए ओवैस, लगातार जब अभी हाल ही में इंडिया गठबंधन की एक बैठक होनी थी तब तो तमाम दलों ने उस बैठक से किनारा किया था। क्या इस बार इन तारीखों के बीच कोई ऐसा दल, बड़ा दल जो उस बैठक से किनारा करता हुआ नजर आया हो, या इस बैठक को लेकर क्या किसी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है क्या? जी, इससे पहले बैठक में कई बड़े नेता हैं जो नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन जो हार गए हैं उन्हीं ने साफ तौर पे कहा कि ये जो इंडिया गठबंधन है इसमें सभी दलों के नेता जो हैं वो देखिए मुस्कान शामिल होंगे और इस बार हो सकता है कि कोई इंडिया गठबंधन में कोई बड़े चेहरे जो हैं वो ऐसे हैं और जो दल हैं कुछ और भी दल जुड़ सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इसकी कोई प्रक्रिया नहीं आई है। और जो सूत्रों के अनुसार ये खबर मिल रही है मुस्कान कि जो इंडिया गठबंधन है इसमें जो ये मीटिंग होगी इसमें कुछ और भी दल शामिल हो सकते हैं। जी देखिए ओवैस, दिल में मलाल और जुबान पर लगातार सियासी वार और साथ ही साथ विपक्षी एकता, ये जो बात कर रही है क्या वाकई ये संभव नजर आ रहा है? जिस तरीके से विपक्षी दल एक दूसरे पर ही हमलावर है, क्या वाकई ये पॉसिबल है कि ये गठबंधन भी 2024 तक चल पाएगा? बिल्कुल देखिए अभी बिल्कुल सही बात की है, क्योंकि 2024 तक चलना जो है वो बहुत संभव भी नहीं है, लेकिन इसमें कुछ तर्क वितर्क हैं, क्योंकि अभी हम आपको बताऊं ये बात का इन लोगों ने सबूत इसी में दे दिया कि अभी जो 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसमें अलग अलग इन लोगों ने चुनाव लड़े हैं। तो अगर हो सकता है पहले जो बात करा रही थी कि ये सभी दल गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद जो दल हैं जैसे समाजवादी पार्टी और जो बसपा है और भी जो पार्टियां हैं उन्होंने सबने अलग अलग दलों ने चुनाव लड़े, लेकिन अब ये 2024 का मामला है तो अब जाहिर सी बात है मुस्कान ये संभव होने वाली बात तो है, लेकिन अब इसमें कुछ मतभेद भी हो सकते हैं। अगर इसमें कुछ मतभेद हुए देखिए मुस्कान, तो ये इंडिया गठबंधन हो सकता है कि ये कामयाब ना हो पाए, फेल हो जाए, जिससे बीजेपी को एक बहुत बड़ा फायदा पहुंचेगा। जी ठीक है, देखिए ओवैस, हम लगातार ये तो जिक्र कर रहे हैं कि अब जब अगली इंडिया गठबंधन की बैठक होगी तो उसमें सीट शेयरिंग पर लाजमी है कि चर्चा होगी। क्या इस बैठक में प्रधानमंत्री पद के दावेदारों का भी नाम तय हो सकता है क्या कि कौन होगा पीएम पद का दावेदार?
क्योंकि लगातार बीजेपी पूछती है कि नरेंद्र मोदी बनाम कौन। देखिए अभी तो मुस्कान, देखिए मैं आपको बता दूं, अभी तो सिर्फ शेयरिंग की बात चल रही है, अभी इसी में वाद विवाद होंगे, अभी हो सकते हैं, हो सकता है कि तर्क लोग किसी बात को सहमत हो, कुछ दल ना सहमत हो, तो अभी ये सब चर्चाएं होंगी इस बैठक में। और रही बात मुख्यमंत्री चेहरे की बात, तो जब बैठक होगी तो उसके अंदर चेहरा भी सामने आएगा और उस पर भी चर्चा होगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है वो सभी दलों को लेकर जो है, ये गठबंधन कई दलों को लेकर करा है और ये बड़ा गठबंधन है। देखिए मुस्कान, बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद वैसे इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।